बदकिस्मत टाइटन आबदोज में सवार मुसाफिर कौन थे? अमरीकी कोस्ट गार्ड की तस्दीक के मुताबिक टाइटन आबदोज में सवार पांचों अफराद हलाक हो चुके हैं। टाइटैनिक के मलबे के करीब ही इस तफरीही आबदोज के चंद हिस्से मिले हैं, जबकि इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि हलाक होने वालों की लाशें मिल सकेंगी या नहीं। समंदर की गहराइयों तक जाने वाले इन पांच बदकिस्मत मुसाफिरों में से एक स्टैक्टन रश ओशियन गेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो टाइटैनिक के मलबे तक के तफरीही सफर का इंतजाम चलाती है। स्टैक्टन एक तजुर्बाकार इंजीनियर थे, जो इससे पहले एक तजुर्बाती फजाई जहाज डिजाइन कर चुके थे। इसके अलावा उन्होंने कई छोटी आबदोजों पर भी काम किया। इसके अलावा इसमें बरतानवी मुहिम जो हिमेश हार्डिंग थे, जो एक्शन एविएशन नामी कंपनी चलाते थे। हिमेशिन ने खला का सफर भी किया। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। उनके पास समंदर की तह में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड भी था। इस आबदोज में एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी थे। दाऊद खानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में होता है। शहजादा दाऊद हरक्यूलिस कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भी थे, जबकि उनके बेटे सुलेमान ग्लासगो की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। इस आबदोज में पांचवे मुसाफिर पॉल हेनरी थे, जो एक साबिक नेवी गोताखोर थे और मिस्टर टाइटैनिक के नाम से मशहूर थे। वो इस कंपनी के डायरेक्टर थे, जिसके पास टाइटैनिक के मलबे के जुमला हुकूक हैं। वो टाइटैनिक के आलमी माहिर थे और दुनिया के चारों कोनों में समंदर में जा चुके थे। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए, कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी साने की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर, गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।